गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आई वेलकम टू यू नेसेंट ऑनलाइन क्लासेस। अपन ने जो एक्सरसाइज 2.1 के क्वेश्चन नंबर 7 तक तो प्रीवियस क्लास में कर लिए थे, आज क्वेश्चन नंबर 8 अपन करेंगे। क्या क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहे हैं? राइट द नंबर नेम्स अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट, यानी इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट के अकॉर्डिंग क्या करना है, इनके नंबर्स नेम लिखना है। तो जैसे अपना फर्स्ट नंबर क्या दिया हुआ है, 720, फिर कोमा 183, फिर कोमा 196। तो इसका नंबर नेम क्या हो जाएगा? सिंपल सी बात है भाई, इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट में क्या होता है, सबसे पहले आ जाएगा मिलियंस। तो क्या हो जाएगा, 725 मिलियन 183 थाउजेंड 196। ये हो गया इनका नंबर्स नेम। ऐसे कैसे जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं उनका आपको करना है। फिर इसके अंदर जैसे ये एग्जांपल में दिए हुए प्लेस फेस वैल्यू, फेस वैल्यू तो उस डिजिट की एक्चुअल वैल्यू जो है वो फेस वैल्यू होगी। मतलब जैसे 1 है तो 1 है, जो 1 के इक्वल उसकी फेस वैल्यू 1 ही होगी। और प्लेस वैल्यू हर एक डिजिट की अलग अलग होती है। जैसे मान लो 1000 की प्लेस पे 1 है तो 1000 हो जाएगा। तो फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू में ये डिफरेंस होता है। अब अगर अपन बात करें, जैसे ये एक्सरसाइज, ये 2.1 तो कंप्लीट हो गई थी, एक्सरसाइज है अपने 2.2 के अंदर क्या है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या कह रहा है, राइट दी फेस वैल्यू ऑफ द अंडरलाइन डिजिट, अंडरलाइन डिजिट्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। मैंने जो दिए गए डिजिट है उसके फेस वैल्यू निकालनी, सॉरी फेस वैल्यू। तो फेस वैल्यू क्या होगी, 7318564। इसमें 1 के नीचे अंडरलाइन की हुई है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था कि कोई भी डिजिट्स की फेस वैल्यू वही रहती है। तो दी फेस वैल्यू ऑफ 1 इज क्या हो जाएगी, 1। बस ऐसे कैसे रिमेनिंग डिजिट्स की आपको फेस वैल्यू निकालनी है। फिर जो क्वेश्चन नंबर 2 था उसमें क्या है, राइट द प्लेस वैल्यू, राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ द अंडरलाइन अंडरलाइन डिजिट्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। जैसे फर्स्ट वाला नंबर है 63793025। तो अभी इसकी प्लेस वैल्यू निकालनी है। तो ये कौन सी प्लेस पे है,
नाइन के नीचे अंडरलाइन किया हुआ था, कौन सी प्लेस पे? वन टेन हंड्रेड थाउजेंड की प्लेस पे है ना, तो द प्लेस वैल्यू ऑफ नाइन इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 9000। फिर क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या करना था, राइट द फॉलोइंग फॉलोइंग न्यूमरल्स इन एक्सपेंडेड फॉर्म, यानी को एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना। तो पहला है जैसे नंबर दिया हुआ है इवन, 39,54,620, तो इसमें एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है। तो एरो करके थ्री के पीछे कितना है? ये हो जाएगा 30 लाख, फिर प्लस 9 लाख है तो 9 लाख प्लस, फिर फाइव कौन सी प्लेस पे, 10,000 की, तो 50,000 प्लस 4,000 प्लस 600 प्लस 20, तो ये इनका क्या हो जाएगा, एक्सपेंडेड फॉर्म। अब होमवर्क के अंदर आपको क्या करना है, होमवर्क के अंदर क्या करना है, क्लास फोर्थ होमवर्क के अंदर क्या करना है आपको, जो एक्सरसाइज है, डू द रिमेनिंग रिमेनिंग क्वेश्चंस ऑफ एक्सरसाइज 2.1 एंड क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 एंड 3 ऑफ एक्सरसाइज 2.2, यह आपको होमवर्क में करना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।